अभी आधा घंटा लगाया सिल्विन ने भाई के साथ, और अभी इसने मुझे क्या दिखाया, ये देखो, योर भाई बार्गेन्स वेरी वेल। शाबाश, तुमने बाहर भी प्रूव कर दिया कि तुमसे बढ़िया बार्गेन कोई नहीं कर सकता। Hi guys, good morning. So welcome to our new episode. This episode is all about hot air balloon in Pamukkale. और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और हमारा हॉट एयर बलून का आज बुकिंग है, मगर बाहर हो रही है बहुत जोर से बारिश, तो नॉट श्योर कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मगर हमारा ट्रैवल एजेंट जो है वो नीचे ही खड़ा है और हमें पता है कि मजा आने वाला है अगर हो गया तो, और आपको वीडियो देख के बड़ा मजा आएगा, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो उनके भी लिंक आपको यहीं कहीं नजर आ रहे होंगे, फटाफट से जाओ वो एपिसोड देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, तब तक हम फटाफट से एक राइड लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। एज प्रेडिक्टेड यहाँ पर बारिश हो रही है, तो अभी की फ्लाइट पोस्टपोन कर दी है टिल 8:00। तो ये पीछे आप गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सब वही लोग हैं जो हमारे साथ जाने वाले थे उस हॉट एयर बलून में, लेकिन अभी हमें असुविधा के लिए खेद है क्योंकि इनकी सीढ़ी में छेद है। देखते हैं कब तक सेट, वापस 8 बजे का टाइम दिया है अभी, तो लग नहीं रहा। हाँ। जिस हिसाब से बारिश है, बादल है, 8 बजे तक। लेट्स सी, विल कीप यू पोस्टेड कि हम यहाँ कर पा रहे हैं या फिर हम सिर्फ एक ही उम्मीद लेके आगे बढ़ेंगे कि कैपेडोकिया में हमें हॉट एयर बलून मिले। टाइमिंग के लिए हमें इस होटल में वेट करने के लिए बोला गया। हेलो मुझे मौका मिला तो मैंने थोड़ा सा मैजिक इनको दिखाया और इन्हें मजा ही आ गया। इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया, हमें लग गई भूख, तो अभी हमने ऑर्डर करे हैं चीज रोल और टर्किश चाय। और ये आपको ये मायूस चेहरा नजर आ रहा होगा पीछे, तो इसका आपको रीजन पता लग गया होगा कि चेहरा इतना मायूस क्यों है, क्योंकि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब हम वापस जा रहे हैं अपने BNB में और फिर वहाँ से निकलेंगे अंतलिया के लिए, और उम्मीद है कि कैपेडोकिया में हमें शायद हॉट एयर मिल जाए। तो आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। नहीं, आज का व्लॉग यहाँ खत्म नहीं करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम यहाँ पे लोगों से मिले, ये ही इज़ द चैम्पियन, इन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी, और जिस जगह इन्होंने हमें रुकाया वहाँ के यार लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। ही ऑफर्ड अस सम गुड फूड और उसके पैसे भी नहीं लिए, तो अच्छे लोग हैं मतलब, एंड दे आर वेरी हम्बल। हॉट एयर बलून, आई विल गिव हिज नंबर, कॉन्टैक्ट हिम फॉर हॉट एयर बलून इन पामुकले। ओह लवली। अभी रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम भाई की भाषा नहीं समझते, भाई हमारी भाषा नहीं समझता, भाई को अंग्रेजी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से हम तीनों आपस में इतनी सही कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। फॉर एनी क्वेरी रिमेंबर हिज नेम एसर। एसर दिस इज चीज बुरिक, बुरिक मतलब चीज पैटी लगा लो यार। खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है इसकी। टेस्ट चीज देखो कितनी जबरदस्त है। गुड, अच्छी है, चीज पैटी है जबरदस्त। इसे व्हाट इज दिस? बीबर। बीबर ट्राई करो। मिर्ची है। ये सिरके वाली मिर्ची के साथ जो टेस्ट और एनहांस हो के आ रहा है, इसका मजा ही आ गया। पिछले आधे घंटे से ये दोनों एक दूसरे को अपना फोन दिखा दिखा के लगे पड़े हैं। बार्गेन चल रही है जबरदस्त। मेरी ट्रैवल प्लानर लगी हुई है। शाबाश, लगे रहो लगे रहो।
सो what are you saying? अभी आधा घंटा लगाया सिल्विन ने भाई के साथ और अभी इसने मुझे क्या दिखाया, ये देखो योर भाई बार्गेन्स वेरी वेल। शाबाश, तुमने बाहर भी प्रूव कर दिया कि तुमसे बढ़िया बार्गेन कोई नहीं कर सकता। ये डील कर ली दोनों ने। हालत खराब हुई दोनों की, समझते और समझाते हुए एक दूसरे को। हमें लग गया 10 बज गए, 45 मिनट्स लग गए हमें, बट हमने बहुत सारे पैसे बचाए। So we are just signing off from Denizle. Yeah. He was our host, an amazing personality, and he is our partner who has booked everything for us. Everything, yeah. So now he is dropping us to Denizle bus station, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे अंतलिया के लिए. And one more thing, we booked Can's room from Airbnb, and we'll write that in the description. Yes, and the room is amazing, the home is amazing, and Can is outstanding. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Adigashris. Bye. Welcome to Antalya. अभी हम लोग पहुंच गए हैं Antalya, और ये एक येलो टैक्सी है. ये हमने किए, हमें 60 लीरा चार्जेस बताए हैं इन्होंने. अरे सर हमें छोड़ेंगे, ये तो कोलकाता की याद दिला दी इसने, पीली टैक्सी ने. बोटे पीली टैक्सी ने कोलकाता की याद नहीं दिला दी इसने. हाँ याद तो दिला दी, मगर रेट कंफर्म नहीं हो पा रहे यहाँ पर सही है नहीं से. जैसे ही हम बैठे तो अंकल ने वो सामने जो शीशा है उस पर ना कुछ चालू करा बटन, तो मेरे हिसाब से ना ये मीटर सिस्टम है यहाँ पर जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी 7.7 से, अब वो हम पहुँच गए 9.1 लीरा पे. देखते हैं क्या है हिसाब, इट्स न्यू फॉर अस टू कि कितना बैठता है क्या बैठता है, विल कीप यू पोस्टेड. और अंकल ने ओ, ये तो बंदी हो गया. और अंकल ने कहा था 60 और देखो बिल्कुल निकले हैं 60 मीटर ही निकला. और ये हम पहुंच गए हैं, ये भाई ने हमें घर की फोटो वोटो भेजी हुई थी, ये एंट्रेंस है और यहाँ रुके हुए हैं हम, लेट्स सी. और जो होस्ट है हमारा जैम, ये उसके पिताजी अभी हमें लेके जा रहे हैं हमारे रूम में, रूम नंबर है 103. अंकल बता के गए हैं फर्स्ट लेफ्ट रूम, तो ये हम अंदर घुसते हैं और ये है 103. तो ये है हमारा रूम टूर, जो शुरू होते ही खत्म हो गया. पिक्चर्स में तो मेरे को काफी बड़ा लग रहा था. हाय फ्रेंड्स, तो अभी सिर्फ हमने 15 मिनट लगाए हैं और हम 15 मिनट में रेडी हो गए और हम लोग निकल पड़े हैं कोनियाल्ती बीच, क्योंकि हमारा जो बीएनबी है वो कोनियाल्ती बीच से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है, इट्स 900 मीटर्स. और ये बीच के हम लगभग पास आ गए और ये आपको थोड़ा सा नीला नीला सा पानी, पाम के पेड़ मस्त नजर आ रहे होंगे. अंतलिया में दो बीच फेमस है, वन इज कोनियाल्ती जहाँ हम जा रहे हैं, और सेकंड है लारा बीच जहाँ हम कल जाएंगे, वो ऑपोजिट है ये दोनों. तो इसलिए हमने सोचा कि किसी एक बीच के साथ ही बीएनबी लेते हैं अपना. हाँ तो अभी हम कोनियाल्ती के पास हैं और फिर हम जाएंगे लारा दत्ता से मिलने कल. क्या बढ़िया था गुरु. बीच के पास बहुत ही कूल सा माहौल बना हुआ है, ये लोग यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इधर ये जॉगिंग के लिए अलग ट्रैक बना हुआ है, ये इधर साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक है, उधर रोड बना हुआ है, तो बहुत ही सही सेटअप कर रखा है यहाँ पे, एकदम लाइफ से डाल रखी है. और ये बीच लवर एकदम से भागते हुए दंदनाते हुए पहुंच गए हैं बीच के पास, कैसा लग रहा है मैडम? अरे बहुत सही है, सेम मैंने ऐसे ना फोटोज में देखा है और बिल्कुल सेम मुझे अभी रियल दिख रहा है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, मतलब वर्ड नहीं है तो व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये मस्त चिड़िया उड़ती हुई जा रही है ऊपर, आपको नजर आ रही होंगी, और ये हमारी चिड़िया पागल हो गई है पानी देख के. यार इतना मस्त पानी ना, साफ बिल्कुल, इतनी सी भी मिट्टी नहीं है, इतनी सी भी. और यहाँ पे ना एक मस्त चीज है कि आपको लैंड, समुद्र और ये पहाड़ सारा एक ही व्यू में है, मतलब कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है ना, मतलब पिक्चरिस्की बोल सकते हैं, पिक्चरिस्की. और अभी हमें ये जो एक फिशिंग का पॉइंट बना रखा है वहाँ जाने का थोड़ा मन हुआ है, तो वी आर गोइंग टू चेक वेदर, वहाँ पर हमें मज़ा आने वाला है या नहीं आने वाला है, या
वहाँ भीगने का जुगाड़ है या कुछ बैठने का भी जुगाड़ है? ये तो ऐसा माहौल है भैया, यहाँ तो खतरों के खिलाड़ी वाली बात हो गई। जाना है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो नहीं भैया, पर दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो गई। अभी हम बीच साइड पर बैठे थे तो वहाँ पर एक कपल मिला, तो उन्होंने हमें एडवाइस की कि हम थोड़ा सा वॉक करें। तो यहाँ पर एक बीच पार्क है जहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स हैं और कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा, तो अभी हम वहीं चल दिए हैं। और कैसा लग रहा है तुम्हें वॉक करते हुए? यार अच्छा सा फीलिंग आ रही है, मतलब मेरे को ना लग नहीं रहा कि हम एशिया में है और यूरोप वाली ही फीलिंग आ रही है। मतलब मेरे को ना बार बार याद दिला रहा है स्विट्जरलैंड और पेरिस की ही याद दिला रहा है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा हमने पहले भी बोला था, मजा आ रहा है टर्की में अब तक तो, सो फार सो अमेजिंग। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैडम की जुतियां काटने लग गई थी और अभी हमें कलेश जाना है। कहाँ जाना है? ओल्ड टाउन कलेशी जाना है। कलेशी में बहुत कलेश होगा, तो फिर हमने कहा कि भाई तुम अपनी जूतियाँ बदल लो ताकि तुम बाद में परेशान ना हो जाओ। आपको हमेशा कंफर्ट देखना चाहिए जब भी आप ट्रैवल करते हो। दिस इज टिप ऑफ द डे। हाय व्हाट्स अप। टर्की में आपको ये बड़ी सुंदर सुंदर सी बिल्लियां जगह जगह नजर आएंगी, बहुत ही फ्रेंडली हैं, प्यारी हैं। इनके साथ खेलिए कूदिए, बस इन्हें परेशान मत कीजिएगा। अरे भैया नाराज क्यों हो? खाले इच्छे। इस कपल को अभी अंग्रेजी नहीं आती थी लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की हमें रूट बताने के लिए और मैडम को समझ में भी आ गया कहाँ जाना है। सिसिक मतलब 8 नंबर, तो उन्होंने बोला सीधा जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, चौराहा आएगा, चौराहे से आपको 8 नंबर की बस लेनी है। इतना समझ में आया? हाँ, तो अभी हम सिसिक नंबर की बस लेके जाएंगे ओल्ड टाउन कलेसी। और ये टर्किश बकरियां देख लो आप, फिर मत बोलना कि बकरियां नहीं दिखाई थी। अरे वाह, तो पोज दे रही है टर्किश बकरी। कौन सी बस आएगी सिल्वी? KC06 या फिर KL08। ये हमारी बस आती हुई जैसे ही हम बस में चढ़े हमें पता लगा कि बिना कार्ड के एंट्री नहीं है, तो उसने बार बार दिया, उसने चुपचाप बोला बेटा आप निकल लो, आप बिना कार्ड के बस में चढ़ नहीं सकते। तो हमें 20 मिनट खराब करने के बाद अब टैक्सी लेनी है। हाँ टैक्सी। अभी हम अपनी टैक्सी से उतर चुके हैं और हम जा रहे हैं हद्रियान गेट की तरफ जो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर्स की दूरी पे है। हमें उसका टाइमिंग नहीं पता क्या है और उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता क्या है, तो अभी पहले मैं हिस्ट्री पता करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये आ गए हम हद्रियान गेट और ये है आपके सामने पूरा का पूरा हद्रियान गेट। तो हम अंतलिया की ओल्ड सिटी में आ गए हैं और यहाँ की जो वाइब है वो एकदम ही कूल वाइब लग रही। नहीं मड्डी? हाँ मतलब पुराने घर, क्योंकि ओल्ड सिटी तो ऑब्वियसली पुराने घर, पुराने ब्रिक से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं, तो अच्छा सा फीलिंग आ रही है। और शाम आज हम यहीं बिताएंगे अपनी। और ये पीछे मध्यम मध्यम सा म्यूजिक चल रहा है, कैफेज हैं, तो बहुत ही सही फील है इस जगह की। तो हाँ, अभी तक इट्स नाइस। हाँ ये कुछ कुछ वैसे रिजेंबल करे ना वियतनाम में हम होइया विलेज गए थे। नाइस यार। भूखे बच्चों को पिज्जा नसीब हो गया, वेजिटेरियन मार्गरीटा डबल चीज और ये टमाटोज एंड मार्गरीटा एंड वी हैव आल्सो ऑर्डर्ड चिप्स पटेटो सिपसी ये पटेटो चिप्सी जो भी सैनिटाइज होने से बचे हैं। ये हैं 22 लीरा के और ये फैंटा ये 6 लीरा की। कौन लपेट जाएंगे इन्हें, भूख इतनी ज्यादा लगी है। ये देखो भूखे बागड़ बिल्ले। सो हियर कम्स द मेन्यू कार्ड, थैंक यू सो मच। वेजिटेरियन फलाफल ढूंढो जल्दी से। यस। और ये आ गया है हमारा वीगन फलाफल सुपर रैप, काफी बड़ा है।
हाँ अच्छी क्वांटिटी है। ये हमने वहाँ खाया था ना सिल्वी, अजमेर के पुष्कर। थैंक यू सो मच। जबरदस्त वेजिटेबल बन रही है वीगन के हिसाब से। मुझे लग रहा है सैलेड रैप कर रहा था एकदम। ये बीच में क्या फलफल? हाँ। Now we are going inside just the candy sweet factory. क्या क्या मिलेगा इधर? टॉफियां हैं क्या सारी? हाँ अरे यार तो टॉफी शॉप आ गई है तो। अलग अलग स्टाइल की कैंडी। वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू टेस्ट। ये शक्ल भी कैंडी से बना रखी है। सब कैंडी। ओ हैरी पॉटर। टेस्टी यार बहुत काफी। और क्या लेना है? और अंदर कॉफी पीते हैं। ये तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि ये कैंडी लवर है, कैंडी शॉप में घुस जाए और फिर बावला हो जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूं क्या छोड़ूं। मतलब जबरदस्त कप लग रहा है। नहीं बेटे हां यार कितना क्यूट है। हां एंड दिस इज द व्हाट डू यू कॉल इट एज मेरेंग। हाउ डू यू स्पेल इट? मेरेंग। मेरेंग 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 मेरेंग। यस मेरेंग मेरेंग। कप तो भाई बड़ी छोटा मोटा भी है इसमें। छोटा मोटा भी है। ओह नाइस। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ खाया। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर ही एक शुगर कोटिंग है और फिर अंदर पूरा फ्रूट क्रीम जैसा कुछ भरा हुआ है। तो चलते चलते हम पहुंचे इस एरिया में। तो एक बैठने की जगह बना रखी है इन्होंने और आप पीछे देख रहे हैं तो ये सी है और वो पीछे उस दैट साइड मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साइड ऑफ अंतल्या है। बहुत सही लग रहा है। अरे पीछे एकदम लाइट जल रही है पीछे। आपको वो दिख रहा है ये मेरे सर के पीछे झूला ये हाँ ये जो कलरफुल है ये जैसे लंदन आई है ना तो इन्होंने हमने हाँ ये दूसरी सिटी है हमारी अंतल्या अंतल्या आई। हाँ हाँ तो हमारी टर्की में दूसरी सिटी है ये। सेम इन्होंने डेनिजली में भी बना रखा है। सेम इन्होंने अंतल्या में बनाया। शायद मुझे हल्का सा ध्यान है कि शायद इस्तांबुल में भी था बट मैं कंफर्म नहीं हूं। हम जहां खड़े हुए थे इसके ऑपोजिट था तो ये आई थिंक इन्होंने बना रखी है। और हमारा जो बीएनबी है उसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में। यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े एक मस्त सी जगह की तलाश में और पहुंचे इस कैफे में। ट्राम जाती हुई तो कोलकाता की याद सी दिला दी। हम भी अब घर जा रहे हैं। सी यू टुमारो बाय। आज के लिए इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी एक मस्त से वाटरफॉल पे जिसका नाम याद नहीं आ रहा। ओके गुड नाइट।